Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

कि हर एक चीज़ आपको बहुत एकोरेट तरीके से बताई जाए बहुत बढ़िया तरीके से आपके समक्ष रखी जाए ये मैं पूरा प्रयास करूंगा ये मैं पूरी कोशिश करूंगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप uh, कहीं ना कहीं जो भी मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ उसकी पी अगर आप चाहते हैं सो यू सर्टली कैन टेक दैट यू कैन ज्वाइन आकाश देव जी के बूस्टर ये टेलीग्राम चैनल बेटे आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप आराम से पी जो है उसको डाउनलोड कर पाएंगे यू विल सर्टली बी फाइंडिंग द पी डी एफ ओवर देयर तो आप चाहे क्यू आर कोड स्कैन कर लें चाहे नाम के साथ सर्च कर सकते हैं इट इज़ द टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट मोर ओवर द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे ऑलरेडी एम बाइप सिंपल तो आ ही चुका है आप सबके लिए तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं वुड लाइक टू स्टार्ट विद वेरियस इंपॉर्टेंट जो वीकली करंट अफेयर है उसकी जो मैं न्यूज़ है वो आपके समक्ष रखूंगा बढ़िया तरीके से और आप एक चीज़ नोटिस करना जिस चैनल पे आप इस करंट अफेयर को देख रहे हैं अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर और भी बहुत सारी शॉर्ट्स और भी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती है तो उसका भी आप भरपूर फायदा लें ऐसा मैं चाहूंगा एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्सप्लोर करेंगे जैसे सी के ऊपर रिसेंटली मैंने काफ़ी शॉर्ट्स डाली थी वैकेंसीज के ऊपर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर टू के ऊपर तो उसको भी आप देखें लाइव सेशंस होते हैं ग्यारह बजे तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं बस इट इज़ जस्ट दैट कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को परसू करना है ऑस्ट्रेलियाज रिकोगनाइज इंडिया एज टॉप सिक्योरिटी पार्टनर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है तो क्वेश्चन आपको सीधा आएगा कि भाई आ, किस कंट्री ने इंडिया को एज अ टॉप सिक्योरिटी पार्टनर रिकोगोगनाइज़ किया है दैट इज़ ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया तो आपको इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि, कि आंसर आपने कैसे करना है उसका सो so, ये सिंपल सी बात है और अच्छी बात यह कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी है सो so, क्वाड जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए है उसमें क्वाड में तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को और अच्छा कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं मूविंग हेड इंडियन नेवी ने बेटे कंडक्ट की एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन द ईस्ट कोस्ट इंडिया की जो ईस्ट कोस्ट है जहाँ पे ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम की हम लोग बात करते हैं वाइजैक की हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड सो हमने देखा इंडियन नेवी ने कंडक्ट की पूर्वी लहर एंड uh, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि भाई ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ है इट इज बेस्ड इन वाइजैक ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वेयर इज ईस्ट नेवल कमांड बेस्ड तो इट इज बेस्ड इन वाइज ये आप ध्यान में रखिएगा सो एक्सरसाइज किस पे एम कर रही है एट वैलिडेशन ऑफ प्रोसीजर्स टू असेसमेंट ऑफ इंडियन नेवी प्रिपेयरनेस टू मीट मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स अ कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी इंडियन आर्मी इंडियन एयर फोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड तो पूरी की पूरी आप देखोगे आर्म फोर्सेज जो हैं उनकी हमने इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखी सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मेक्स इट वेरी मच इंपॉर्टेंट ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ठीक है सो so अगेन तो ये चीज़ें आपने डेली करंट अगर आपने रेगुलरली देखा हुआ है तो उसमें आपने देखी होंगी दिस इज जस्ट यू नो अटेम्प्ट टू गिव यू प्रॉपर रिविजन टू दीज पॉइंटली इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक हम रिविजन देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं आगे बढ़े मूविंग हेड साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट है बेटे उन्होंने डेवलप किया है सोडियम बैटरी विच कैन बी चार्ज इन सेकेंड देखिए हम लोग नॉर्मली किसकी बात करते हैं हम लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं जो हम यूज करते भी हैं फोन्स में गाड़ियों में हर तरह से हम लोग लिथियम आयन बैटरीज का ही यूसेज करते हैं यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट लेकिन अब हम लोग सोडियम बैटरीज की तरफ भी बढ़ने लगे हैं सो या दैटोट वी नीड टू अंडरस्टैंड तो सवाल आएगा कि कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने किया है तो ऑफकोर्स इट इज साउथ कोरिया साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने डेवलप की है ये तो ये हमें एक थोड़ा सा पॉइंट पता होना जरूरी है दिस इज़ वन पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेरी प्रिसाइसली ठीक है सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तो मतलब अच्छी बात यह है कि इसको बहुत जल्दी चार्ज किया जा सकता है जो कि लिथियम आयन बैटरीज में नहीं हो पाता आ, उसमें टाइम लग जाता तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है बस इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होंगी अपनी जगह होंगी लेकिन आ, ये शॉर्टर लाइफ स्पैन जो है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज ये सबसे बड़ा इशू होगा इसमें लेकिन क्योंकि जल्दी चार्ज हो जाएगी तो हो सकता है कि ईवीज में आगे आने वाले समय में हमें सोडियम बैटरीज देखने को मिले सो दैट इज़ वन थिंग वी कैन सर्डली ऑब्जर्व आगे बढ़ते हैं जी इंडिया की कमिटमेंट है टूवर्ड्स अ डेबरी फ्री स्पेस मिशन बाय 2030 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईयर इस ईयर पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इसको आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक हम लोग डेबरी फ्री स्पेस मिशन कर देंगे तो इंडिया ने बोला है कि डेबरी फ्री स्पेस मिशन होंगे बाय 2030 तो इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ साहब उन्होंने अभी इंटर एजेंसी स्पेस डेबरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीट हुई थी बेंगलुरु में इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे तो ये जो बेंगलोर में मीट हुई अभी रिसेंटली उसमें ये चीज़ सबके समक्ष रखी गई तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ईयर कौन सा कमिट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब इसरो ने दैट इज़ 2030 वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट और डेबरी फ्री स्पेस मिशन मतलब क्या देखो नॉर्मल स्पेस मिशन जब भी जाता है कभी भी स्पेस में तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्पेस मिशन की एक यूजफुल लाइफ होती है जब उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वो वहाँ पर डेबरी बनाता है मतलब वो ऐसे डेड घूमता रहता है ऑर्बिट में क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं तो वो जो डेबरी होती है वो फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है पहली बात तो ये है दूसरा वैसे भी यू नो स्पेस की ओवरऑल जो हेल्थ है उसके लिए वो एक इम्पैक्ट बन जाता है तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग डेबरी फ्री मिशन की तरफ अग्रसर हों वी वॉन्ट टू मूव टू द डेब्री फ्री मिशन तो उसी मुहिम में एक बहुत बड़ा ये कदम है बस ये आप ध्यान में रखिएगा क्लियर हो गया इतना तो वी हैव टू डिस्पोज ऑफ़ और रिमूव द स्पेस डेब्री ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल बहुत ज्यादा न्यूज़ में था इट वॉज द रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो अभी काठमांडू में नेपाल में तो पहले तो आप इसका ये ध्यान रखें कि ये कहाँ पर हुआ दैट इज़ यू नो वन थिंग वी हैव टू कीप इन अर माइंड नेपाल में हुआ तो सिविल सोसाइटी वेरियस एन ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यात्रा टू हैप्पीनेस इस तरह की थीम के साथ इसको किया गया ना वाई इज इट सो मच इम्पोर्टेंट पहले आप ध्यान में रखें जब भी हम एल जी बी टी जैसे लेसबियन ये बायसेक्चुअल ट्रांसक्र ट्रांस, की बात करते हैं पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसी के साथ रिलेट करता है बेटा पिंक टूरिज्म क्या रिलेट करता है पिंक टूरिज्म रिलेट करता है कि इनका जो टूरिज्म को प्रमोट करना है। मतलब जो भी कंट्रीज एल जी बी टी की राइट्स को मानती हैं उसको रिस्पेक्ट देती हैं वही पिंक टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर रखा गया सबके समक्ष जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि दे स्पोक अबाउट मेकिंग टूरिज्म सेक्टर इंक्लूसिव टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए तो इसी के अराउंड ये घूम रहा था पूरा बस इतना आप ध्यान में रखेगा तो इट इज वॉट uh, एग्जैक्टली exactly, uh, हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं आप इसको ये हुई है नेपाल में हुई है किससे रिलेट कर रही है पेंक टूरिज्म से रिलेट कर रही है एल के राइट से रिलेट कर रही है जो कि टूरिस्ट आते हैं तो वो आपको बस ध्यान में यहाँ पे रखना है दैट्स द पॉइंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है और इसको यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर हैं जो वेरॉनिक लॉरेंजो उन्होंने भी इसको सबके समक्ष रखा उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीज को रिकोगनाइज़ किया है सो या वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आगे बढ़े मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं बेटे बलराज पनवर की बलराज पनवर हैज़ अचीव्ड यू नो इंडिया फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर पैरिस देखो रोइंग कई तरह की होती है सिंगल स्कल भी होता है यू you नो know, uh, और भी होती है लेकिन यहाँ पे ये सिंगल स्कल वाली जो कैटेगरी है ये रोइंग की क्या है कैटेगरी है उसके अंदर ये इस तरह से ना आप सिंगल रो कर रहे हो वो होता है तो ही तो 25 इयर्स ओल्ड इंडियन आर्मी का रोअर है और ये बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एट पैरिस ओलम्पिक्स तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो आप ये ध्यान में रखना इस चीज़ को कि जब मैं रोइिंग की बात करता हूँ तो यू विल फाइंड जैसे डबल स्कर्ल्स भी होती है ये कॉम्पिटिशन ऐसे एक कॉक्सलेस पेयर करके होता है ये देखो ना हर तरह की आप देखोगे यू विल सी ये अब ये अलग तरह से है यहाँ पर कॉकलेस पेयर है कॉक्सलेस पेयर तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और भी बहुत तरह के मतलब तो आपको ये देखने को मिलेगा वेन एवर यू यू नो गो फॉर

लेकिन अब उनकी प्रेजेंटेशन की गई उनको प्रेजेंट किया गया तो इसलिए दोबारा से न्यूज़ में थे तो आप ये बस ध्यान में रखिएगा कि वैन वी टॉक अबाउट दीज सो वी शुड नो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जैसे पद्म विभूषण अवार्ड है तो वो कितने लोगों को दिए गए वो दिए गए पाँच लोगों को कहने के जैसे वेजयती माला एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है अपने टाइम की चिरंजीवी एक्टर हैं वेंकैया एक नायडू जी पब्लिक फिगर रहे हैं पी सुब्रमण्यम आर्ट के फील्ड की हम बात करते हैं बदेश्वर पाठक जी सोशल वर्क तो ये आप ध्यान में रखेगा दैट दीज आर द फाइव पद्म विभूषण विच गिवन दिस ईयर और उसी प्रकार से पद्म भूषण भी आप देख सकते हैं यहाँ पे यू नो यू कैन पॉज एंड यू कैन सर्टली टेक अ स्क्रीन शॉट एज वेल यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है मैं बताना चाहूँगा फातिमा बीवी का जो हमारे बीच में नहीं रही ये केरला से बिलोंग करती थी शी वॉज द फर्स्ट वेमन सुप्रीम कोर्ट जज नाइनटीन एटी नाइन में ये पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी बेटे तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी इसीलिए इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया मरणोपरांत दिया गया पोस्ट दिया गया बट दैट दैट इज इज इंपॉर्टेंट क्लियर सो आई होप मतलब ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक सबको उसके बारे में पता है तो उसी की न्यूज आइटम है वो ध्यान से देखेगा एस uh, सी की मैं जब बात करता हूँ तो उसकी जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई कहाँ पे कजाकिस्तान में एक जगह है जो उनकी कैपिटल है अस्ताना तो अस्ताना जो कि कज़ाकिस्तान में है वहाँ पे हमने देखा है कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग मानी जाती है पहली बात तो ये है एंड वेन आई टॉक अबाउट द एस तो आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु ऑल अद पीपल मतलब हु ऑल आर द कंट्रीज़ बेसिकली जो एस यू के मैंबर देखो इंडिया और पाकिस्तान तो दो हज़ार सत्रह में ज्वाइन किया था उन्होंने सबसे रिसेंट मबर कौन है ईरान है लेकिन इनसे पहले विच कंट्रीज वी सो व मेंबर्स ऑफ यू नो एस सी ओ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट्स लाइक चाइना इट्स लाइक कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान उजबेकिस्तान एंड रशिया मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जैसे नौ मेम्बर्स तो चलो है ही है। uh, के हैं सेंट्रल एशिया की सभी कंट्रीज़ हैं मेंबर मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ अगर आप देख पाओ

बीजिंग दैट इज़ चाइना में इसके क्या है हैंडक्वाटर्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज़ और आपको ये पता होना चाहिए कि एस जो है इसके साथ साथ एक ना ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब टेररिज्म के खिलाफ बात करती है जो उसके खिलाफ योजनाएं बनाने बहुत बड़ी मदद करते हैं रैट्स बोलते हैं उसको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ एसोसिएटेड है तो so ये आप ध्यान में रखना बट एनीवेज वेज इसके हेडक्वाटर्स कहाँ हैं ये आपको समझ आ गया होगा मूविंग ए सतलुज जल विद्युत निगम की हम लोग बात करते बेटे गवर्नमेंट की बॉडी है इट हैज़ इनागरेटेड इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट नाथपा झांक्री नाथपा झाकड़ी एज एन इट्स एन हिमाचल प्रदेश ऑफकोर्स सो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें इस तरह का वो नाथपा झांक्री में हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला तो एस जे वी एन इज़ ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ये आप ध्यान में रखेगा सो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन फॉर यू नो हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल जो होता है कोटिंग फैसिलिटी तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सो मतलब 25 किलो वॉट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी जब तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इसको आपको ध्यान में रखना है समझ आ गया चलो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर तो देखो गवर्नमेंट का फोकस भी काफ़ी है सिक्सटी ईयर ओल्ड की एक महिला अर्जेंटीना से उसने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया शिवन द मिस यूनिवर्स पेजेंट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम है इनका एल्जांस साठ साल की हैं अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखो नॉर्मली क्या होता था पहले आप एटीन टू ट्वेंटी एट अगर हैं तभी आप इस इवेंट में पार्ट ले सकते थे लेकिन इन्होंने फाइनली क्या किया इन्होंने इस चीज़ को हटाया और इन्होंने बोला कि अब एटीन से सेवेंटी थ्री ईयर्स की जो महिलाएं हैं वो पार्ट ले सकती तो इसीलिए हमने देखा यहाँ पे कि जो भी कंटेस्टेंट्स थी वो एटीन टू सेवेंटी थ्री के बीच में थी तो सिक्स सिक्सटी भी उसी में लाई करता है ऑफकोर्स तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे और उसी क्लॉज की वजह से क्योंकि यहाँ पे ये यह हटा दिया गया था ये जो रेगुलेशन थी हटा दी गई थी इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पे जो विनर है वो साठ साल के हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सबको अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की नहीं तो पहले तो पार्टिसिपेट करना ही संभव नहीं होता था तो ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए सो तो एलेजेंद्राद्रिगेस इज फ्रॉम अर्जेंटीना एंड उन्होंने ये जो जीत हासिल की है ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है आई होप यू कहता ये आप समझ गए आगे बढ़ते हैं हम लोग मूविंग अ हैड विनर माइंड सेट बेटे एक बुक है बहुत शानदार किताब है रिसेंटली इट वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज दिस पर्टिकुलर बुक विनरस माइंड सेट इट हैज़ बिन ऑथर्ड बाई शाट्सन शेन वॉटसन ने इस किताब को लिखा है द विनर्स माइंड सेट बाई शेन वॉट्सन तो ये ऑटोबायोग्राफी तो मैं नहीं बोलूँगा इसको लेकिन हाँ इट्स अ वेरी नाइस बुक विच एज इम रिटन उन्होंने अपना पर्स्पेक्टिव दिया लाइफ का और uh, आपको शायद पता होगा कि सिटी uh, क्रिकेट ग्राउंड में फ़िलिप ह्यूज जो है एक बाउंसर उनको लगी थी उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा कि कैसे मैं हिल गया था उस चीज़ को देख के एनी uh, वेज़ कुछ बुक्स और भी न्यूज़ में थी जैसे एम के राणा ने लिखी है बिफोर आई फॉरगेट फिर डी uh, सुब्बा राव जो आर बी आई के गवर्नर रह चुके हैं इन्होंने लिखी जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब है डी सुब्बरू साहब की ये दिस वन सो ये आप देख सकते हैं एंड अदर दिन दैट एक सलमान रशदी की किताब है नाइफ ये भी न्यूज़ में थी सो यू शुड नो अबाउट दैट बुक एज वेल ये नाइफ ठीक है मेडिएशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रशदी इन्होंने भी अपने बारे में मतलब जो अभी का फेज़ है उनकी लाइफ का उसके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा है ये आप ध्यान में रखें गॉड एट सो आई होप मतलब दीज थिंग्सिप्स यू लॉड ऑफ क्लैरिटी की कैसे आप चीज़ों को परसू करते हैं बिकॉज देखो एग्ज़ाम में यू नेवर नो कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा बट अगर आपने हर चीज़ को सिस्टमिक तरीके से बैठे एक बार पढ़ा होगा ना तो आपको एग्ज़ाम में बहुत कम दिक्कत आएगी इतना मैं आपको बता सकता हूँ मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी थिंग्स हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेस्ट मैनर पॉसिबल वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो so कोशिश ये करें कि चीज़ों को हम सिस्टमिक तरीके से पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से समझ रहे हैं जान रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मूविंग एड आगे बढ़ते हैं इंडिया के क्रिकेट लेजेंड है बेटे युवराज सिंह ही इज द एम्बेसडर फॉर आई सी सी मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो रहा है ना अभी यूएसए में वेस्ट इंडीज़ यूएसए में हो रहा है तो वहाँ पे अभी जून में होगा स्टार्ट तो अगले महीने होगा तो वहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया एक अनाउंसमेंट आई है बस इतना आप ध्यान में रखें कि हु इज द एम्बेसडर यू शुड नो अबाउट दिस थिंग की एम्बेसडर कौन है मतलब ये सब क्वेश्चन देखो आते हैं एग्जाम में मतलब डायरेक्टली यू कैन हैव सच क्वेश्चंस इन योर एग्जाम सो या यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रोसाइसली ठीक है जी नाउ हैविंग सेड दैट एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि वेमेन वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है ना इसी साल होगा वो सितंबर के आसपास तो दैट विल टेक प्लेस बांग्लादेश तो आपको ये पता होना चाहिए वेन्यूज अलग अलग हैं ऑफकोर्स तो ये आपने ध्यान में रखना मूविंग अहेड एक्टर रणदीप हुडा है इनको अभी एक अवार्ड मिला है एंड दैट अवार्ड इज़ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड बहुत ही प्रस्टिजियस अवार्ड है अभी इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर मूवी की थी उस मूवी के अंदर जो इन्होंने अभिनय किया है उसी की सराहना करने के फॉर्म में ही एज बींग अवार्डेड दिस पर्टिकुलर थिंग तो ये आप ध्यान में रखिएगा एंड ये आपको पता होना चाहिए कि भी स्वतंत्र वीर सावरकर जो है उसके अंदर इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है ये आप देख सकते हैं उसी के लिए ही बीन गिवन अस्पताल नेक्स्ट विजेंजम पोर्ट है एक बेटे केरला में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस एज़ वेल तो इट हैज़ गॉट अप्रूवल टू रन एज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब तो आप ये ध्यान में रखेगा कि इट हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर टू ऑपरेट एज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड इट इस गोनो हेल्प इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब ये भारत को मैनुफैक्चरिंग हब बनने में एक बहुत बड़ी मदद करेगा देखो होता क्या है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक क्रूशल हब होता है जहाँ पे कार्गो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बिग वेसल टू अ अ टू टू या बोल दो वेरियस स्मॉलर वेसल्स तो पहले तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी uh, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप देखते हो तो हमें मतलब कम से कम इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए वी हैव टू बी हैविंग अ प्रॉपर क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है एनी डाउट फॉर देट मैटर इन केस विशोली कैन लेट बी नो तो देखो मेरा तो मतलब पॉइंट बहुत क्लियर कट है मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि हमें इन चीज़ों पे एक ठीक ठाक लेवल ऑफ क्लैरिटी बनानी है ये आपने ध्यान में रखना है एनी डाउट्स अब यहाँ पे अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा अब आपको देखो ट्रांसशिपेंट पोर्ट वगैरह कई बार नहीं बच्चों को पता होता तो मैंने इसलिए पहले बता दिया आपको सो दैट यू आर क्लियर अबाउट दैट्स आगे बढ़े चलो मूविंग अहेड ध्यान दें यूएन अपॉइंटेड अ पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि अल्टीमेटली यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट ये जो पैनल है ये क्या है और किस तरह से हम इसकी चीज को देख रहे हैं वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा नाउ पुटिंग थिंग्स इन टू पर ये आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो कि सर्टली यू नो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज़ कि आपको ये ध्यान में बेटे बहुत क्लियरली रखना होगा ये आस्पेक्ट कि किसने इस पैनल को अपॉइंट किया मतलब बिकॉज देखो यू आर बाउंड टू गेट दिस क्वेश्चन आपको तो ये क्वेश्चन आएंगे ही तो क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन हमें आते रहते हैं तो इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत ही बेसिक uh, तरीके से मतलब अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैसे हम इस चीज को आंसर कर सकते हैं मतलब वी आर सपोज टू हैव अ गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट्स यह आप माइंड में रखेगा और कई बार मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्टली वो पूछ लेगा एग्जामिनर और बच्चा आंसर कई बार नहीं कर पाता बाई चांस तो हमें इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना जरूरी है समझ आया इतना बहुत बढ़िया कोई अगर मतलब पॉइंट्स ऐसे आपको लगते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहे हैं या आप दोबारा से बता दें सो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट नॉट एन इशू बट मतलब व्हाट आई फील इज कि अब आपको एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई होगी यू मस्ट हैव गॉट अ डिसेंट क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट्स तो यहाँ पे देखो अब बात आती थी क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनल्स हैं कौन से अब हम सोलर की बात करते हैं विंड एनर्जी की बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन टेक्नोलॉजीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए आप खुद सोच के बताएं मतलब वॉट प्रिसाइसली टू बी वॉन्ट वी वॉन्ट सम मिनरल्स जो कि उनके इक्विपमेंट्स बनेंगे उसके अंदर योगदान देंगे अपना और वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दिस इज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड समझ आ गया इतना सो so, कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं आई थिंक इट्स इट्सल्यूटी क्लियर नाउ मूविंग अहेड ये किस तरह की हम बात करें जैसे कॉपर है लिथियम है निकल है कोबाल्ट है इन सब की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं सो दिस इज वन थिंग यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड वेरी गुड इज दैट क्लियर हाँ जी सो मतलब एनी वन हुविंग इवन आई आउट ऑफ डाउट्स कैन श्योरली लेट मी नो किसी को अगर मतलब लगता है कि जी ये क्लियर नहीं हो रहा है या कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे आप बताइएगा बहुत बढ़िया आगे बढ़े चलिए मूविंग हेड डू तमिलनाडु Tamil Nadu. Tamil Nadu में जी ई सी पी बहुत न्यूज में था जी ई सी पी क्या होते हैं गाइडलाइन फॉर ऑफ कारपोरेट पनिशमेंट इन स्कूल अब देखो हम लोग बात करते हैं कई बार जैसे बच्चों को मारा पीटा जाता है यू you नो know, समझाने के लिए कई बार ये किया जाता है जो की बिल्कुल आइडियल नहीं है जो कि सही नहीं है इसीलिए दिस इज समू बी स्टॉप एट ऑल द कॉस्ट एंड उसी चीज को यहाँ पर बस आप ये मान के चले कि सबके समक्ष रखा जा रहा है कि मतलब इट शुड नेवर बी डन और वही बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो so, मतलब वी आर सपोज टू हैव अ प्रॉपर आइडिया इन दिस रिस्पेक्ट ये आप बस थोड़ा सा ध्यान में रखें जी समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे आप बताएं डू यू सेवी यूरी वन डू यू अंडरस्टैंड दिस ठीक है तो मतलब एक बेसिक पॉइंट पे जाके अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा यू मस्ट हैव गॉट दिस वेरी 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 गुड एनी स्पेसिफिक पॉइंट्स विच यू वांट मी टू क्लियर तो यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपको स्टेट के ऊपर ही पूछेगा इन केस यू नो यू यू गेट एनी क्वेश्चन गेट इन गेटिंग क्वेश्चन ऑन द स्टेट कि भाई कौन सी स्टेट ने ये चीज़ किया तो आप आई थिंक आंसर उसको कर पाएंगे एवरी वन वुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट प्रिस बहुत बढ़िया आगे बढ़े चलिए मूविंग अहेड आगे बढ़ते बेटे अब आप एक चीज नोटिस करिएगा ईरान ने कामिकाजी ड्रोन दुनिया के सामने रखे सिंस इट वाज इन लॉट ऑफ न्यूज तो आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई कामिकाजी ड्रोन जो है वो कौन सी कंट्री के दैट इज वन थिंग और एक चीज और आप ध्यान में रखना कि हमें ये बहुत प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिंस वी आर यू नो प्राइसली टॉकिंग अबाउट ईरान बेसिक क्लैरिटी ऑन वन बेसिक थिंग एंड रशिया के जो ड्रोन होते हैं, जो भी, वो भी काफी में रहते हैं वैसे तो उनसे काफी आपको ध्यान में रखना है इज that clear or not, everyone? बहुत बढ़िया कोई अगर आपको मतलब ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आता तो मुझे आप बता सकते हैं वेरी गुड ठीक है अभी लैंड का आपको पता चल गया ना कैसे हम इसको रिलेट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई रशिया का लैंड ड्रोन है उसे मिलता जुलता हिताची पेमेंट सर्विसेज हैव लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट अपग्रेडेबल ए ये ध्यान में रखेगा भारत का पहला एक एटीएम जो अपग्रेड हो सकता है अपग्रेडेबल एटीएम जो है वो यहाँ पे सबके समक्ष रखा है तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए नाउ हैविंग सेड दैट ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा

तो मतलब यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भाई किस तरह से ये जो कैश कैशाइकलिंग मशीन है ये काम करती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ इतना कि नहीं तो वी आर सपोज टू हैव अ बेसिक आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so केस मतलब किसी को कोई दिक्कत है इस चीज़ से ले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में तो मुझे आप बता सकते हैं Anyone who is having any problem in understanding this point can surely let me know. Theek hai. Clear? Ho gaya? सो so अगेन मतलब वही बात है कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोबारा ठीक है कॉमेंट सेक्शन एज वेल चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं आईसी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं दे सेट कि हम लोग ऑब्जर्वर रहेंगे जो तमिलनाडु का एक प्रॉपर सर्वे रहेगा थार को लेकर देखिए नीलगिरी स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का बट एज सच तमिलनाडु हमेशा से इनकी कंजर्वेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहा है ये तो एक पॉइंट है ही है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट तो ये एक प्रॉपर सर्वे कर रहे हैं नीलगिरी थार का ये वाली जो एनिमल है उसका तो ये सवाल आएगा कि कौन सी स्टेट ने एक स्पेसिफिक सर्वे किया है इसका तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेगा दिस इज अगेन अ पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग सो ये काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर हुआ इतना बहुत बढ़िया सो आई आई एम होपफुल कि मतलब अब आपको एटलीस्ट चीजें समझ में आ रही होंगी एटलीस्ट यूर यूर इन अ पोजिशन टू हैव अ गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक है आगे बढ़े अब एक पॉइंट आता है हमारे दिमाग में कि नीलगिरी थार का स्टेटस क्या है यू नो व्हेन वी टॉक बुथ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनी एनिमल फॉर दैट मैटर इट इज व्हाट तो ये बस ध्यान में रखेगा कि वेन वी टॉक अबाउट द नीलगिरी थार तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में आती है हालांकि तमिलनाडु चाहता है कि इस कैटेगरी से ये बाहर आ जाए इसका कंजर्वेशन स्टेटस इंप्रूव हो जाए बट देन अगेन इट विल टेक सम टाइम एटलीस्ट तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मतलब दिस इज अगेन वन पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग प्रिसाइसली क्लियर हुआ सबको सो आई एम होपफुल एटलीस्ट कि अब आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यू आर एबल टू हैव अ क्लियर कट आइडिया इज वे इन चीज़ों के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बढ़िया एनी डाउट्स चलिए ये क्लियर हो गया अब हम आगे बेटे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है उसके ऊपर अग्रसर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है नेक्स्ट वन यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर रोज़ बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बनी हुई एक एंकर सना ये यहाँ पे आप देख सकते हो शी सना इंडिया टुडे ग्रुप के एंकर है इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड को जीत लिया अब आप ये देखो कि ना सिर्फ ये एक एंकर है बट यहाँ पे इन्होंने एक अवार्ड को भी जीता है अपने नाम किया है दैट इज ग्लोबल मीडिया अवार्ड सो या दैट अगेन हैज यू नो ब्रॉड एंड लॉड ऑफ हेडलाइंस इसके ऊपर ये आप ध्यान में रखेंगे सो so ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर हो गया इतना एक हमारी पी uh, एस है अगर आपने सुना उसके बारे में मैं बात करनी चाहूँगा आई रेडा की हम लोग बात करते हैं मतलब यहाँ पे आई वुड से पी एस यू आई वुड से इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है आई रेडा इसको नवरत्ना स्टेटस दे दिया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ये बहुत बड़ी बात है आपने सुना होगा मिनी रत्ना फिर नवरत्ना फिर महारत्ना कंपनीज के बारे में जैसे ओ एन जी जैसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको मिलता है ये स्टेटस तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने अचीव किया है आई ने ये आप ध्यान में रखिएगा तो कौन सी रिसेंटली गवर्नमेंट की एजेंसी जिसको नवरत्न स्टेटस मिला है तो दैट इज आई सिंपल पॉइंट तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की जो ग्रोथ है उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है एक ना तामजा ब्लू होल बहुत न्यूज में था बेटे तामजा ब्लू होल जो कि मेक्सिको में है यहाँ पे जाके इट इज नाउ द डीपेस्ट नोन अंडर वाटर सिंक होल इसकी जो डेप्थ है तेरह सौ फीट से भी ज्यादा है इट इज न्यूली फाउंड डीपेस्ट ब्लू होल जो कि चेटुमल बे पे है ये चेटुमल बे आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर है ये सो दिस इज नोन एज टीजेबीएच तंजाब ब्लू होल है ये ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज वी हैव टू कीप इन आवर माइंड तंजाब ब्लू होल ठीक है ये आप ध्यान में रखें सो so, ब्लू होल होता क्या है दीस आर बेसिकली वाटर फिल्ड वर्टिकल केव्स और सिंक होल्स जो कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे पानी जैसे भर जाता है तो बहुत डीप होते हैं ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप मतलब उसका जब डेप्थ देखेंगे तो इट्स इट्स वेरी मच डीप मतलब वेरी वेरी डीप इनफैक्ट आप ये भी देखोगे तेरह सौ अस्सी फीट है जो कि बहुत ज़्यादा होता है तो ये आप ध्यान में रखेंगे और काफ़ी सारे सिंक होल्स हैं लेकिन ये डीपेस्ट है तो इसलिए मैंने बात की एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की बात करना चाहूँगा हु इज़ नाउ द न्यू नेवल चीफ ऑफ इंडियन नेवी ऑफकोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम दिस इज ये आप ध्यान में रखिएगा तो ऐसे ऐसे देखो न्यूज़ जो है वो आपको अभी सुनने में लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत ईजी है लेकिन एग्जाम में वैन यू गो ना देन यू विल रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि भाई ये न्यूज़ आइटम्स करनी बहुत ज़रूरी है कवर एंड आपको एग्जाम में एकदम तुरंत क्वेश्चन सामने आते ही आपको आंसर मिलना चाहिए जैसे हम ग्रीन नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो ये यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे हो ये आलोक शुक्ला है इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल इन्वायमेंटल प्राइज मिला है बेटे जिसको ग्रीन नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये नोबेल प्राइज़ होता है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ होता है छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट जो है जो हस्दियों अरण्य है उनको बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है ये आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं हेड क्वार्टर फ्रांसिस्को में है गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के जिन्होंने अवार्ड इनको थमाया है ये आप ध्यान में रखें जिन्होंने अवार्ड इनको दिया है तो ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के लिए अवार्ड बना है बहुत शानदार अवार्ड है जो कि इनको मिला है तो ये हमें पता होना चाहिए दिस इज वन पॉइंट लास्ट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की जो कि अभी रॉटरडैम यानी कि नीदरलैंड्स में हुई इसको ऑर्गेनाइज करवाया किसने वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने ऑर्गेनाइज करवाया अभी रिसेंटली तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की मैं जब बात करता हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी है सौ साल पुरानी बॉडी है उन्नीस में ये बनी थी और इसके का है लंदन में है तो ये आप ध्यान में रखेगा इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लंडन दैट इज यूके ये देख रहा होगा आपको वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज तो अभी ट्वेंटी एनर्जी कांग्रेस जो है वो हमने देखी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कांग्रेस भी और ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सौ साल पुरानी बॉडी है सो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज वेल वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन बाय टेलिंग यू कि इंडिया इज गोइंग टू ट्रेन मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश ये बहुत बड़ा एक इनका टाई अप हुआ है तो मिड करियर जो सिविल सर्वेंट है उनके जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है, वो काम करेगा इंडिया ये बहुत बड़ी बात है और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक रिवान्स है उन्होंने यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो साइन किया है बांग्लादेश की जो कंसर्न मिनिस्ट्री उसके साथ तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ की जाएगी सो आई होप यू हैव गेंड इमेंसली फ्रॉम दिस सेशन लाइक ऑलवेज दैट्स ग्रेट अब यहाँ पे आप इस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी डाउट्स अगर आप मतलब कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया तो यू सर्टली कैन यू नो लेट मी नो और देखो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो भी पढ़ा है वो कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं सो दैट्स वाई मेक श्योर यू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट आकाश देव जी के बूस्टर को ज्वाइन करें ताकि आप वहाँ पर और भी अपडेट्स ले पाए इन्जॉय थैंक यू सो वेरी मच टेक केयर जय हिंद जय भारत keep imbibing. We believe in you.